स्टूडेंट्स, आई एम वंदना गोंड. अगेन आई एम कमिंग बैक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, न्यू टॉपिक एंड न्यू डेरिवेशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू डेरिवेशन विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल. इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो उसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन आया था दैट वॉज वी इक्वल टू यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. इन दिस डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. अब डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल हैविंग टू पोल. डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था कि डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू. दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, लेट दैट डिस्टेंस इज 2a. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड, वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल. हमारे पास डायपोल आ गया माइनस क्यू है प्लस क्यू. दिस डायपोल इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p. सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट p एट एन एक्सियल पॉइंट. तो व्हाट डज इट मीन्स, एक्सियल का मतलब क्या होता है? द लाइन विच पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ इट्स डायपोल. द लाइन विच पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ इट्स डायपोल, जो डायपोल के एक्सिस से पास हो रही है. तो नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज आर. क्या हमने कंसिडर किया? सेंटर ऑफ द डायपोल ओ है, तो ओ से यहां तक की जो डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, हमने क्या कंसिडर किया है? आर. मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि मुझे इससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. मुझे P पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है प्लस क्यू चार्ज के कारण. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण. देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सिंपल डेरिवेशन इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स. नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास? इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट वी इज इक्वल टू क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, लेट अस अज्यूम वी वन और वी प्लस क्यू भी आप एज्यूम कर सकते हो, वॉट एवर यू राइट. तो हमने यहाँ पे वी प्लस क्यू एज्यूम किया, तो वी प्लस क्यू क्या होगा? 1/4πε0 क्यू बाय, अब बताइए प्लस क्यू, प्लस क्यू इज डिस्टेंस दिस एंड पी इज दिस वन, है ना? तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो कितनी होगी? वो डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस है आर. उस आर में से अगर आपने ये ए माइनस कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, तो ये सिंगल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा a एंड a. तो मुझे कहां की डिस्टेंस चाहिए? प्लस क्यू और p तक की डिस्टेंस चाहिए. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r माइनस a. कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? r माइनस a. तो मैं यहां सिंपली क्या लिख दूंगी? r माइनस a, दैट इज योर इक्वेशन 1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस q चार्ज.
नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. अब हमें क्या फाइंड करना है, इसी पॉइंट पी पे इस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. सेम एक्सप्रेशन, माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पी पे किसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो माइनस क्यू, अब माइनस क्यू से इस पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, कौन बताएगा, इस माइनस क्यू से इस प्लस तक की डिस्टेंस, दैट इज आर फ्रॉम द सेंटर, है ना, और ये क्या हो गया ए. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, आर प्लस ए. क्या होगी टोटल डिस्टेंस, आर प्लस ए. तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए, दैट इज इक्वेशन टू. हमने दो स्टेप फाइंड कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वही तो फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल. अब हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा. नाउ लेट कम टू दी इस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2. नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस, या आपने हमने प्लस Q और माइनस Q कंसीडर किया तो प्लस Q एंड देन माइनस Q. तो प्लस Q की वैल्यू क्या थी, प्लस Q की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज. देन प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू चार्ज था, देन आर प्लस ए. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, टेकिंग आउट कॉमन टर्म, टेकिंग आउट आउटसाइड, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू, ये टर्म कहां जाएंगे, बाहर हम ले लेंगे. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर में क्या रह गया, 1/r माइनस ए, इसका माइनस 1/r प्लस ए. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम में डिनोमिनेटर टर्म क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, आर प्लस ए माइनस आर, यहां पे टर्म क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए, दैट इज द रिमेनिंग टर्म. नाउ कैन वी कैंसिल आउट आर एंड माइनस आर, यस आर एंड माइनस आर विल कैंसिल आउट. देन अगेन नेक्स्ट स्टेप विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या यहाँ पे हो गया, a प्लस ए, दैट विल बिकम 2a, एंड डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए राइट, हमारा क्या था, ये b था, अब q इंटू 2a, दैट इज ये जो टर्म है, ये टर्म क्या, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट टर्म इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विच इज डिनोटेड बाय P. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो कैन वी पुट इंस्टेड ऑफ दिस टर्म, कैन वी पुट P, यस इन टर्म्स ऑफ P, V इक्वल टू P, और यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ सपोज
द डायपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, द डायपोल इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो आर डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत बड़ी है, किसके कंपेयर में, इस ए के कंपेयर में आर डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए देन वी कैन नेग्लेक्टेड ए, ए इज नेग्लेक्टेड, तो देन आवर लास्ट एक्सप्रेशन बिकम 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वेयर। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फाइंड करना था, कहां पे, किसी पॉइंट पी पे, किसके कारण, डायपोल के कारण। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, V इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वेयर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, द लाइन विच पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट मीन्स डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ हाउ इट लुक लाइक, सपोज दिस इज डायपोल ए एंड बी हैविंग माइनस क्यू एट वन एंड एंड प्लस क्यू एट अनदर एंड and this dipole is separated by a small distance 2a and this is the center of this dipole, let us assuming this point is O, center of this dipole assuming a point. Now we wish to find, what we have to find, we wish to find electric potential at any point, electric potential at any point, sorry, at an equatorial point. So equatorial point kahan ho jayega iska, that is here perpendicular bisector hoga dipole ka. To perpendicular bisector dipole mein humne ye point consider kiya P, jahan pe hume kya find karna hai, hume find karna hai electric potential. To humne kya ki this is a perpendicular draw kiya is dipole se. Now this A point, this distance is small a and this again this distance is small a. Now O से P तक जहां हमें electric potential find करना है that distance we are considering small r. ये distance हमने क्या consider की, small r. Now if we join this point to P and this point to P, now again same in the जैसा हमने पहले किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, उसमें हमने क्या किया था, हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और हमने क्या कर दिया था नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। सेम इसमें भी हमें वही करना है, तो पहले उसको करने से पहले अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, this is 90 degree, this hypotenuse is this perpendicular distance is small r and base is r. So what will be this hypotenuse, this become r square plus a square. Similarly this pb will become again r square, this distance become r square plus a square. Now let us proceeding the step, kya hoga, electric potential at kahan find karna hai, p, electric potential at p due to minus q charge,
माइनस क्यू चार्ज। तो हेयर माइनस वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा और डिस्टेंस क्या है पी, माइनस क्यू से पी तक की जो डिस्टेंस है डेट इज अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अगेन पॉइंट पी ड्यू टू दिस टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught प्लस क्यू था यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू था यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है पी से पी तक की आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। नाउ नेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, सॉरी वी वन की जगह हमने क्या कंसिडर किया वी क्यू एंड वी प्लस क्यू, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैल्यू पुट कर दीजिए अगर आप, तो क्या हो जाएगा दीज टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर आप देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दिस बोथ आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे विल कैंसिल आउट, होगा ना सर। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम है, बट क्या है माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/4 pi epsilon naught माइनस क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका प्लस क्यू 4 pi epsilon naught 1/r² प्लस ए स्क्वायर। तो अगेन क्या हो जाएगा माइनस क्यू, दिस होल टर्म इज विथ माइनस साइन, दिस होल टर्म इज प्लस साइन, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो यहां पे वी क्या हमें मिल गया जीरो, दैट इज जीरो। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हम इक्विटोरियल पॉइंट में फाइंड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा दैट इज जीरो। नाउ इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट में हमने फाइंड किया था दैट एक्सप्रेशन इज जो हमें डिफरेंट मिला था, तो आपको हमेशा याद रखना है दिस क्वेश्चन में भी आज फॉर वन मार्क थी इक्विटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट दैट इज जीरो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।